हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। मित्रों, मैं हरेंद्र सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचपीजीएस जोन में। और मित्रों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले भारत की नदियों में हम सिंधु को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक जरूरी बात और है, वो जरूरी बात ये है कि एसएफसी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग अपने अपने फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। नहीं, जिन लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर से ज्यादा है या 170 सेंटीमीटर है और लड़कियों की 157, ठीक है ना। अच्छा, एससी वर्ग के लिए लड़कियों को कुछ छूट है उसमें 2 सेंटीमीटर का, तो अपना एक बार देख के नोटिफिकेशन को चेक करके और फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपने अध्ययन में जुट जाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो वैकेंसी है वो CISM में काफी ढेर सारी वैकेंसी आई है और वैकेंसी अभी इसमें बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे CRPF का भी कोई भी वैकेंसी उसमें नहीं जोड़ा गया है, तो जल्दी ही वो वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो आप लोग जुट जाइए अध्ययन में, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखिए, ये आज हमारी ज्योग्राफी की जो है वो क्लास 35वीं है और भारतीय भूगोल की 9वीं क्लास है ये, ठीक है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, तो ये विश्व के बड़ी नदी तंत्रों में इसको सम्मिलित किया जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र, ये तीन बड़े नदी तंत्र हैं। मैंने आपको जब नदियों को बता रहा था तो बता दिया होगा। अच्छा देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। उद्गम, लंबाई, भारत में लंबाई, भारत में प्रवेश, इनको पढ़ेंगे। और आप यहाँ नक्शे पर देख पा रहे हो कि किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बिखरा हुआ है, मतलब यहां से निकल के यहाँ जाता है ये, इस तरह से यहाँ पे ये नदी गिरती है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं उद्गम की कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मानसरोवर झील, तिब्बत में एक झील है। ये कहाँ है झील? तो ये झील है तिब्बत में। तिब्बत में एक झील पड़ती है जिस झील का नाम है मानसरोवर झील, और इस मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग। तो ये चेमा जो युंगदुंग ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी, ये आप नाम देख रहे होंगे, यारलू जांगपो, चीनी भाषा के नाम है इसके, यारलू जांगपो। कहीं कहीं आपको इसका नाम और भी मिलेगा, इसका नाम आपको मिल जाएगा सांगपो, ठीक है ना। तो ये जब तिब्बत में बह रही होती है तो यारलू जांगपो या सांगपो नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि ये हिमालय के, अरे अभी यहाँ इस क्षेत्र में पूरे में हिमालय है यहाँ पे, तो ये हिमालय के बिल्कुल समानांतर बहती है, 1100 किलोमीटर तक बिल्कुल हिमालय के समानांतर बहती है। और यहां से जब ये मुड़ती है तो यहाँ पे गार्ज बनाती है। यहाँ एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो मैंने बताया था आपको, नामचा बरवा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है। ये इस नामचा बरवा पहाड़ी के पास एक महाखड्ड बनाती है। क्या बनाती है भाई? ये बनाती है यहाँ पर एक महाखड्ड, देखिएगा, उसको बोलते हैं महाखड्ड। आप लोग जानते होंगे हम लोग खड्डा कह देते हैं, देसी में बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। तो ये महाखड्ड है, इसको गार्ज भी कहते हैं, गार्ज, या इसको गार्ज के अलावा एक और नाम दे देते हैं, कंदरा। क्या कह देते हैं इसको? कंदरा भी कह देते हैं, कंदरा, ठीक है। तो महाखड्ड, गार्ज या कंदरा, एक तरह से बड़ा सा गड्ढा बनाती है और उसी में जाके अंदर चली जाती है, ठीक है। इसके बाद बहुत प्रेशर से एक पतली सी धारा के रूप में निकलती है। और यहाँ पे एक दर्रा है, ये जो दर्रा है ब्यांगयाप दर्रा, मैंने जब दर्रे पढ़ाए थे तो आप लोगों को बता दिया था, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्यांगयाप दर्रा है, इसी ब्यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये कभी पूछ ले जगह, तो ये सादिया, सादिया के पश्चिम से, कहां से, जो अरुणाचल प्रदेश में है, सादिया जगह है, तो सादिया के पश्चिम से यहाँ पे है सादिया, और सादिया की पश्चिमी तरफ से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नहीं, और देखिए अब फिर पूछ लेता है आपको यहाँ पे कि इसका उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम क्लियर कर दिया मैंने, कहाँ से है, तो चेमा युंगदुंग से, चेमा जो युंगदुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर
तिब्बत से है, बात क्लियर हो गई। लंबाई की बात करें तो मैंने बताया कि देखो इसकी जो कुल लंबाई है यहां से और ये घूमती हुई टोटल यहां तक आती है तो कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर, है ना। लेकिन अगर हम कभी पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है तो 2900 किलोमीटर है। अगर पूछे कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है तो भारत में इस 2900 में से केवल 916 किलोमीटर ही बहती है। और उसमें भी कभी पूछे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा है तो असम में, असम में जो बहती है वो 750 किलोमीटर के आसपास ये बहती है, असम की घाटी जिसको बोलते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ये जो बहती है हमारे यहाँ भारत में असम में बहती है, और वैसे अगर बात करें तो ये तिब्बत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बहती है, ठीक है। अब देखो भारत में प्रवेश लिखा है तो आप लोग देख पा रहे हैं भारत में कहां से प्रवेश है, तो क्वेश्चन बन जाता है तो आप बताएंगे ब्यांग्याप दर्रा, ब्यांग्याप दर्रा, ब्यांग्याप दर्रे से इसका जो प्रवेश है वो भारत में हो जाता है। और भी पूछे कभी जगह पूछ ले तो सादिया, जगह का नाम क्या था सादिया, अरुणाचल में है ये, तो सादिया के पश्चिम से, सादिया के पश्चिम से अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो अगला देखिए, अब इसके नाम, तो इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैं आपको नाम बताता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे यहां, अगर मैं इसके नामों की बात करूं तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। किस तरह से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और इनको याद भी रखेंगे। देखिए अगर हम पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले ये निकलती है कहां से, तिब्बत से, है ना। तो हम चीन और तिब्बत में देख लेते हैं, चीन में इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है। तिब्बत के बाद फिर ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये पहुंचती है आपकी असम में, तो असम में फिर से इसका नाम बदल जाता है, और असम के बाद ये फिर से आ जाती है बांग्लादेश में, तो जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है फिर से इसका नाम बदल जाता है बांग्लादेश में। अगला है फिर जैसे ही गंगा के साथ मिल जाती है तो फिर से नाम बदलता है गंगा, और गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, क्या बोलते हैं पद्मा, तो पद्मा से मिलने के बाद, पद्मा से मिलने पर इसका नाम फिर से बदलता है। तो देखिए अब आप देखें किस तरह से नाम बदलते हैं, जरूर याद रखिएगा इनको, कई बार एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चीन में देखो तो चीन में इसको यारलू बोलते हैं, यारलू, चीन में क्या बोलते हैं, चीन के लोग इसको बोलते हैं यारलू। तिब्बत में इसको जांगपो या सांगपो, तिब्बत में बोलते हैं इसको जांगपो या बोलते हैं सांगपो, तो जांगपो या सांगपो तिब्बत में हो गया। अरुणाचल प्रदेश में ये जैसे ही प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, अरुणाचल में इसको क्या कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग। इसके बाद जैसे ही असम में प्रवेश करती है असम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मा का पुत्र किस नदी को कहा जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मा का पुत्र किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। और सही मायने में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, तो असम में, असम से पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ना तो असम से पहले है ना असम के बाद है, केवल असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में इसकी लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है, ठीक है। बांग्लादेश में असम घाटी के बाद जैसे ये प्रवेश करती है वैसे इसका नाम बदल जाता है, और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना, क्या बोलते हैं, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर जब ये जमुना गंगा के साथ मिलती है, ठीक है, गंगा के साथ मिलती है ये वाली, ये गंगा है इधर से आ रही है और ये बराक नदी है, तो इनसे मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक है। और मेघना नाम से ये जो वितरिका है ये कहां जाके गिरती है, तो मेघना नाम से ये जो वितरिका जाती है, और आप लोग जानते हैं कि ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कहां गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में।
कभी जगह पूछ ले तो याद रखिएगा, वो जगह का नाम होता है गंगा सागर। कहाँ पे है ये? तो गंगा सागर। तो गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में जगह है, वहां पर ये मेघना नाम से गिरती है। ठीक है, तो ये थे आपके ब्रह्मपुत्र के नाम जो आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको नाम वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अगला देखिए इसके गिरने का स्थान, तो मैंने अभी बता दिया ये रहा इसके गिरने का स्थान, गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, तो ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। ठीक है, तो देखिए आप लोग नक्शे पर देख पा रहे होंगे इसकी सहायक नदियां। हम इन सहायक नदियों को दो तरह से पढ़ लेते हैं जिससे कि वो आसानी से आपको याद रहेंगी, है ना। एक तो नदी भाई जाहिर सी बात है दो ही तरफ से मिल रही होगी आके, या तो दाई तरफ से मिल रही होगी या फिर बाई तरफ से मिल रही होगी। ठीक है ना, तो देखिए हम सहायक नदियों को पढ़ें तो हम इस तरह से पढ़ लेते हैं। एक तरफ हम बात करेंगे दाई तरफ से मिलने वाली, दाएं हाथ की तरफ से मिलने वाली, एक बाएं ओर से मिलने वाली, बाएं ओर से मिलने वाली। तो सहायक नदियों को दो तरह से पढ़ेंगे, आसानी से याद रहेगा। हाँ, एक जो जरूरी बात है वो आप और जान लीजिए कि अगर हम कभी भी नदियों का दाया बाया निकालते हैं ना, तो सदैव याद रखिए कि हमको मुंह करना है वो नदी के बहाव की ओर करना है। अगर नदी का बहाव इस तरफ है तो मुंह इस तरफ करना है, और अगर नदी का बहाव इस तरफ है तो फिर मुंह हमको इस तरफ करना है, तब दाया बाया करना है। ठीक है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे क्वेश्चनों को। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें अगर हम दाएं बाएं नदी को देखते हैं, इसकी जो सहायक नदियां, तो सबसे पहले देखिए भाई जो हम इसकी दाएं वाली नदियां पढ़ेंगे, इसकी हम इसकी दाएं वाली नदियां और दाएं वाली नदियों की बात करेंगे, तो ये वाली जो नदियां वो दाएं होंगी और ये वाली नदियां बाएं होंगी। देखिए मैंने यहां बनाया भी है, जो काले काले से आप लोग देख पा रहे हैं, जो काले से लिखा हुआ है नदियों के नाम, ये अरे ये इधर को बह के आ रही है, आप ऐसे खड़े होंगे तो ये हाथ कौन सा हो जाएगा, बायां, तो ये बाएं की तरफ की नदियां हो गई और ये वाली दाईं ओर की हो गई। तो दाईं ओर की देखो, ये एस का मतलब है सुबनसिरी। दाएं ओर की नदियों में जो प्रमुख हैं सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद ये वाली जो नदी है, ठीक है, ये है आपकी कामेत, कामेत है, कामेत के बाद ये वाली मानस है, मानस है ये वाली, मानस के बाद ये वाली जो है आपकी वो है रंगित, रंगित नदी जो क्रीड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, रंगित नदी है ये वाली। ठीक है, इसके बाद ये जो है वो है तीस्ता, तीस्ता नदी, ठीक है, जो अपना रास्ता बदल चुकी है, कभी पूछ लेता है कि कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदल चुकी है, तो तीस्ता है। और तीस्ता कहां से निकलती है, तो सिक्किम में आपने एक झील सुनी होगी चेलामू झील, तो ये चेलामू झील से निकलती है सिक्किम में, या नहीं सुनी है तो इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आप जरूर देखिएगा, उसमें झीलें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सुबनसिरी, कामेत, मानस, रंगित और तीस्ता, ये जो नदियां हैं वो दाएं तरफ से मिलती हैं। अगर बाएं तरफ की नदियों की बात करते हैं तो बाएं ओर से जो मिलती हैं दिहांग, दिहांग मिलती है, दिहांग के बाद मिलती है आपकी दिवांग, दिवांग नदी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपकी लोहित है, लोहित, और फिर है आपकी धनसिरी, धनसिरी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रमुख नदियां हैं। ऐसा नहीं कि इसकी और नदियां नहीं है, और ये नीचे की तरफ आपकी बराक है, बराक भी मिलती है इसमें। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि और नहीं है नदियां, पर ये प्रमुख हैं आपको एग्जामों की दृष्टि से, तो आपको ये याद रखना कि कौन सी किधर से मिलती है बस। ठीक है ना, अगला देखिए इसके बाद विशेषताएं, विशेषताओं की अगर बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो कई एक विशेषताएं हैं इसकी। जैसे सबसे पहले तो ये आपको पूछ लेगा कि कौन सी नदी है जो हिमालय के समानांतर बहती है, तो पहली इसकी विशेषता हो जाती है कि ये हिमालय के समानांतर बहने वाली नदी है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, तो देखो मैं यहां लिखता हूं विशेषताएं। पहली विशेषता हो गई कि हिमालय की क्या बहती है, ये समानांतर बहती है। बहुत बार पूछ लेता है, तो पहली इसकी विशेषता है हिमालय के समानांतर, हिमालय के समानांतर बहती है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता मैंने आपको बताया कि जैसे ही यहां पर प्रवेश करती है, ठीक है नहीं, यहां पे आके, ठीक है ना,
असम में जैसे ये प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करते ही एक नदी द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो उसका नाम क्या है? मांजुली। मांजुली, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें नदी द्वीपों की बात करें तो आप ऐसे देखिएगा, नदी द्वीप बनाती है और इसमें बड़ा और छोटा दोनों ही नदी द्वीप है। हम बात करते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा है, ये क्या है? विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भी इसी में है। और एक है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, दोनों ही नदी द्वीप इसी में है। कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कभी पूछा जाए तो वो है आपका उमानंदा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और देखो ये जो दोनों ही द्वीप है स्थान एक ही है, थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों में। दोनों कहां पड़ते हैं? तो दोनों ही पड़ते हैं असम, या ये कहिएगा जोरहट असम में पड़ते हैं ये दोनों ही, मांजुली और उमानंदा। तो दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अच्छा, इसके बाद देखिए अगर अगली विशेषता की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि जब यह पद्मा के साथ मिलती है तो यहां पे एक बड़ा सा क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है, एक बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। नहीं और जो ये डेल्टा है, ये एक बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पे, और जो ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा का नाम क्या है भाई? डेल्टा जानते हैं क्या होता है? तो डेल्टा होता है कि नदियों द्वारा जो कूड़ा करकट बहाकर लाया जाता है और वो नदी में जमा हो जाए। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये नदी बहके आती है और इसमें ये कूड़ा करकट आता है तमाम, और ये कूड़ा करकट बहके यहाँ पे मान लीजिए इकट्ठा होता है, और इसके इकट्ठे होने से नदी अपना रास्ता ही बदल ले। नदी क्या कर ले? इस कूड़े करकट के इकट्ठे होने की वजह से अपना रास्ता ही बदल ले, और इसको हटा के मान लीजिए इधर से होके निकले रास्ता बदल के, इसको यहां से कवर करके ये रास्ता बदल लिया। तो ऐसे जो कूड़े करकट का बना हुआ ढेर है, ठीक है ना, ये काफी बड़ा बड़े हो जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा, या ये कहिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये बनाती है आपकी, और वो कौन सा है? तो है सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहां पे है ये? तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर, ठीक है। दूसरा देखिए, ये प्रसिद्ध क्यों है? तो इसकी कुछ प्रसिद्धि के कारण है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम जो सुंदरबन है वो यहाँ सुंदरी पादप पाए जाते हैं। सुंदरी पादपों की अधिकता के कारण, सुंदरी एक मैग्रोव वन होता है, ठीक है नहीं, और वो भी काला मैग्रोव विशेष तौर पे वहां पे है, जो खारे पानी में भी उगाते हैं आसानी से ये पौधे, ठीक है। और उनका जो प्रयोग है विशेष तौर पे आप नाव बनाने में बहुत ज्यादा उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है वो काफी मजबूत होती है और जल से क्रिया करके वो फूलती नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी में ही होता है। तो बहुत ज्यादा वो सुंदरी वृक्ष है यहाँ पे, इसीलिए इसको सुंदरबन कहा गया। इसके अलावा कभी पूछ लेता है कि जो सुंदरबन है फसलें कौन सी होती है यहाँ पे, तो सुंदरबन का जो कृषि योग्य भाग है वहां पर जूट की कृषि, उसके अलावा आपका अनानास की कृषि, तो ऐसी कृषियां होती हैं। इसके अलावा यहाँ कभी पूछ लेता है आप लोगों से कि बाघ के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है, ठीक है नहीं, तो बाघों के लिए ये प्रसिद्ध जगह है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और अच्छा, इस पे आप लोग देखना चाहे तो एक मूवी बनी हुई है, रोर द टाइगर, बाघों की दहाड़, ठीक है। तो इस तरह से सुंदरबन काफी प्रसिद्ध है और विश्व का बड़ा डेल्टा है जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र से बनने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है आपको वनडे किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। अगला देखिए जो वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ एट पीजीएस.com।